हेलो माय डियर रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, आप लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? होपफुल हैं बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, उसी सीक्वेंस में डीपीपी का डिस्कशन भी, थ्योरी के साथ साथ डीपीपी कैसे करवाई जाती है इस पार्ट को फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा डीपीपी में ये ऑर्गेनिक की डीपीपी है 54 नंबर की, जो कि जीओसी पर बेस्ड डीपीपी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी पार्ट को। और देखो, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इज। डायपोल मोमेंट कैसे मेजर करते हैं ये बताने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देखो मैं CCl4 से स्टार्ट करूं। ज्योमेट्री कैसी है देखें दोस्त, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का। क्लियर? अच्छा, किन्हीं दो के रिजल्टेंट, किन्हीं दो बॉन्ड के रिजल्टेंट का जो वेक्टर होता है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इधर बना, इधर बना, इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हुआ होगा, इधर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट ये वाला सीएल रहा होगा। ऐसे यहां पर जो रिजल्टेंट बन रहा है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला बॉन्ड रहा होगा। ऐसे ये जो रिजल्टेंट बन रहा है, मतलब ऐसे एक दूसरे को, एक तीसरे को या एक चौथे को कैंसिल करते जाएंगे, दैट्स व्हाई नेट डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू यहां पे आ गई जीरो। क्लियर? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, बाकियों को चेक कर लो। देखो यहां पर है CHH। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या रखते हैं? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, तो वेक्टर भी वहीं पर लगाएंगे। इन दोनों में देखो कार्बन और क्लोरीन में डायपोल की डायरेक्शन ये आई। ठीक है, अच्छा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, ये भी पोलर हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली कार्बन से लेस है, तो इसका वेक्टर का डायरेक्शन ये आया, इसका वेक्टर ऐसे। इन तीनों का एक रिजल्टेंट बना होगा, इन तीनों का, तीनों हाइड्रोजन का एक रिजल्टेंट बना होगा, और उस रिजल्टेंट को लेट बी अज्यूम दैट दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री। अच्छा, और एक यह वेक्टर बना कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह। अच्छा, दो वेक्टर बने, दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एडअप होकर के नेट रिजल्टेंट बढ़ गया होगा, वह होगा ना। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये तो रही बात ए के लिए। अगर हम बी की बात करें, देखें एच है, एच है, क्लोरीन क्लोरीन, अच्छा कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हुआ? हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, ये वेक्टर बने। अच्छा, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये वेक्टर बने। अब देखो इनका रिजल्टेंट होगा, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि यहां पे बॉन्ड एंगल स्लाइटली ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? क्यों? क्लोरीन के साइज बड़े हैं। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आया, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो दो रिजल्टेंट यहां पर ओरिजिनल वेक्टर है एक बॉन्ड का नेट डायपोल मोमेंट दो के रिजल्टेंट से ज्यादा होने वाला है, दो के रिजल्टेंट से। तो अब देखो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें ए और बी में, दिस इज अ बी, तो ए और बी में ए का डायपोल मोमेंट बी से ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब बात करनी है डी सी की। डी तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर देखो एच है, सी वाले में देखो एच है, सीएल है, सॉरी एच है, सी है, सीएल है, सीएल है, सीएल है, इन तीन का रिजल्टेंट का एक डायरेक्शन आएगा और इसका एक डायरेक्शन आएगा। अब देखो तो दो का रिजल्टेंट, ठीक है, ये एंगल क्या होंगे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे, एक
इसका रिजल्टेंट अगर एक वेक्टर मैं लूं तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ऐसे दो वेक्टर लें तो इसका रिजल्टेंट आएगा मैग्नीट्यूड हो गया कम, अगर तीन लें तो इसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड कम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, डायपोल मोमेंट का जो करेक्ट ऑर्डर होगा ए बी और फिर आएगा सी, सी के बाद आएगा डी, डी में जीरो हो गया। अब आंसर आ गया एजुकेटर्स ए, क्लियर।